हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ बालमुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज हम सॉल्व करेंगे इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग का पेपर, जो कि जनवरी 2017 का है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आप ओ लेवल, ट्रिपल सी या किसी भी कंप्यूटर कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल के थ्रू काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो आइए देखते हैं कौन सा पेपर है, कितने क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पास पेपर इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन, जो कि जनवरी 2017 का पेपर है। तो यहाँ पे इस सीरीज़ में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही सॉल्व कर रहे हैं, नेक्स्ट सीरीज में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, करेक्ट एचटीएमएल टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। तो यहाँ पे जो हेडिंग के लिए टैग होता है वो H1, H2, H3 इस तरीके से अप टू H6 तक होता है। H1 हमारा सबसे लार्जेस्ट होता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वह है बी, H6। ओके, अगला क्वेश्चन है, WW इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, क्लाइंट सर्वर। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम दैट ट्रांसलेट एन IP एड्रेस इंटू एन इजियर टू रिमेंबर नेम इन द। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी, DNS डोमेन नेम सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन एन ईमेल एड्रेस abc@dsdu.com, DSDU इज द, तो यहाँ पे DSDU क्या है? तो यहाँ पे DSDU क्या होता है, एक होस्ट नेम होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बी है, होस्ट कंप्यूटर इन द कॉमर्शियल डोमेन। तो डॉट कॉम जो भी लगा होता है वो कॉमर्शियल डोमेन के लिए यूज होता है, इससे पहले भी हम कई वीडियोस में बता चुके हैं ये। तो यहाँ पे होस्ट डोमेन नहीं है हमारा, या होस्ट कंप्यूटर इन अ कॉमर्शियल डोमेन आप इसको भी बोल सकते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, द वे इन विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन डिवाइसेस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा, इनमें से अगर देखें तो मल्टीकास्टिंग होता है। मल्टीकास्टिंग में क्या होता है कि एक सिस्टम के थ्रू हम कई सारे सिस्टम्स को सेम डेटा ये प्रोवाइड कर सकते हैं, या मल्टीपल कनेक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, या मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मल्टीकास्टिंग है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रोटोकॉल डज PPP यूज। PPP क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज इन आइडेंटिफाई द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ANCP। NCP का बेसिकली फुल फॉर्म होता है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रॉडकास्ट डोमेन आर क्रिएटेड व्हेन यू सेगमेंट अ नेटवर्क विद अ 12 पोर्ट स्विच। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है A1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच क्लास ऑफ IP एड्रेस हैज द मोस्ट होस्ट एड्रेस अवेलेबल बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, जो क्लास ए होता है उसमें सबसे ज़्यादा होस्ट एड्रेस होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये क्वेश्चन आया है। ये हमारा जुलाई 2017 के पेपर में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो सी, बॉडी बीजी कलर इक्वल येलो। यहाँ पे आप कलर नेम या फिर यहाँ पे कलर कोड भी आप दे सकते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिजिकल एड्रेस विल चेंज फ्रॉम। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो होप टू होप बी। ओके, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू पे, जो कि ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम इसका इंग्लिश वर्जन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, RSA इज अ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, इन केस वन लॉसेस द प्राइवेट की इज इट इज़ पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट इट फ्रॉम द पब्लिक की।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, टुडे ट्विस्टेड पेयर केबल इज द मीडिया ऑफ चॉइस फॉर बैकबोन नेटवर्क्स। तो यहाँ पे इस समय जो करेंटली जो केबल्स यूज होते हैं वो होता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ पे ये फॉल्स है क्योंकि आजकल ट्विस्टेड पेयर्स को हम बैकबोन नेटवर्क्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलाइस यूजर्स हर प्राइवेट की। यहाँ पे एलाइस क्या है, किसी पार्टिकुलर यूजर का नाम दिया है, एग्जाम्पल लिया गया है एलाइस एंड बॉब। तो एलाइस यूज हर प्राइवेट की तो ऑथेंटिकेट हर सेल्फ टू बॉब। तो अगर हम इसका इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिक स्क्रिप्ट कैन परफॉर्म मेनी फंक्शन सच एज डेटा वैलिडेशन एंड प्रोवाइड इंटरेक्टिव फीडबैक टू द यूज़र। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हमारा ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एवरी होस्ट इम्प्लीमेंट द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर देखें तो ये भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज इथरनेट। तो यहाँ पे ये फॉल्स है क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वो TCP/IP होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये क्वेश्चन हमारा फॉल्स है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क एनी क्लाइंट कंप्यूटर कैन आल्सो बी अ सर्वर। तो बिल्कुल सही है, P2P PPP जो नेटवर्क होता है उसमें कोई भी कंप्यूटर या कोई भी क्लाइंट सर्वर के तरीके से काम कर सकता है, तो ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, अ हब कनेक्ट्स टू डिफरेंट लैन। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर देखें तो ये फॉल्स होता है, फॉल्स है क्योंकि लैंस के थ्रू हम अलग अलग सॉरी हब के थ्रू अलग अलग हम लैंस को कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर हमें डिफरेंट लैन को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं राउटर्स। ओके, अगला क्वेश्चन है, द एडवांटेजेस ऑफ पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग इज मोर प्रोनाउंस फॉर ब्रस्टी ट्रैफिक दैन अ स्मूथ ट्रैफिक। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, HTML इज अ प्रोटोकॉल टू डिस्क्राइब अ वेब कंटेंट। तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही है, HTML हमारा प्रोटोकॉल, जो HTML प्रोटोकॉल होता है वेब कंटेंट को डिस्क्राइब करता है या डिस्प्ले करता है। ओके, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्स है उसको सेक्शन वाई के थ्रू हमें मैच करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, डूइंग बिजनेस ई कॉमर्स। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। तो यहाँ पे इसको मैच करेंगे इसके साथ ई कॉमर्स, इसका करेक्ट आंसर होगा या करेक्ट मैचिंग होगी। अगला क्वेश्चन है, इन टू इन फ्लो कंट्रोल। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, इनमें से अगर हम देखें तो यहाँ पे एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, अगला क्वेश्चन है, कीप डिजिटल पेट्स एंड हैकर्स आउट। तो यहाँ पे अगर हम इसका करेक्ट मैचिंग देखें तो इसका करेक्ट मैचिंग है हमारा फायरवॉल, तो हम यहाँ पे इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। ओके, अगला है, वन टू वन कनेक्शन इज वन डायरेक्शन ओनली। तो वन टू वन कनेक्शन इन वन डायरेक्शनल ओनली क्या होता है, बेसिकली ये हमारा सिंप्लेक्स होता है, जो सर्किट्स होते हैं ट्रांसमिशन सर्किट्स जिनको हम यूज करते हैं, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे अगर वन टू वन कम्युनिकेशन इन वन डायरेक्शन ओनली, तो यहाँ पे हम इसको मैच करेंगे सिंप्लेक्स के साथ में। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रोवाइड बेस्ट इफर्ट डिलीवरी सर्विस फॉर ट्रांसमिशन बट डज नॉट गारंटी डिलीवर ऑफ डेटा। तो यहाँ पे अगर हम इसका इनमें से मैचिंग देखें तो सबसे बेटर मैचिंग यहाँ पे ए, IP प्रोटोकॉल। ओके, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे यूजर कैन सिंक्रोनाइज देयर मेल अमंग मल्टीपल डिवाइसेस। तो यहाँ पे अगर इसकी मैचिंग हम देखें तो इसको मैच करेंगे हम जी के साथ में IMAP। IMAP बेसिकली होता क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, कैरेक्टर स्टफिंग। तो कैरेक्टर स्टफिंग का यहाँ पे जो मैचिंग होगा वो पॉप होगा,
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है ऑल नोड्स कनेक्टेड टू अ सेंट्रल स्विच। तो यहाँ पे अगर इसमें से करेक्ट मैचिंग देखें तो क्या होता है कि जो स्टार टोपोलॉजी होता है उसमें सारे कंप्यूटर्स एक सेंट्रल स्विच के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल स्विचिंग। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है डी एटीएम। एटीएम बेसिकली होता क्या है, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस वीडियो डेटा एंड सर्विस ओवर द ट्रेडिशनल स्विचिंग स्विच सर्किट्स ऑफ द पीएसटीएन। तो पीएसटीएन बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। तो यहाँ पे इसकी जो करेक्ट मैचिंग है वो हमारी है, इनमें से अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे करेक्ट मैचिंग होगी आईएसडीएन। आईएसडीएन बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ओके, तो अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसी में से हमें इन्हीं ऑप्शंस में से यहाँ पे कुछ फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हव इज अ, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो ब्रॉडकास्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स पहले दिया हुआ है, इज अ इंटरनेट स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंड्स द फॉर्मेट ऑफ ईमेल सपोर्ट टेक्स्ट अदर देन ASCII नॉन टेक्स्ट अटैचमेंट ETC। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से जो वो है MIME। तो MIME का बेसिकली फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द, और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, लेयर ऑफ OSI मॉडल कैन बी यूज इन ट्रेलर ऑफ फ्रेम फॉर एरर डिटेक्शन। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, इनमें से अगर करेक्ट आंसर देखें तो वो है डेटा लिंक लेयर। ओके, नेक्स्ट टू डिलीवर ए मैसेज टू ए करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन द होस्ट द, और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, एड्रेस मस्ट बी कंसल्टेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा, इनमें से करेक्ट आंसर है ए पोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ टोपोलॉजी इफ देयर एन एन डिवाइस इन अ नेटवर्क ईच डिवाइस हैज एन टू वन पोर्ट फॉर केबल्स। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी टोपोलॉजी होती है जहाँ पे एक डिवाइस को बाकी सारे डिवाइस के थ्रू सेपरेट केबल्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो वो होता है हमारा मेस टोपोलॉजी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है मेस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे इज द यूनिट ऑफ डेटा एट डेटा लिंक लेयर। तो हमारा जो डेटा लिंक लेयर होता है इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेम। फ्रेम्स में डेटा ट्रांसमिट होता है डेटा लिंक लेयर में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कम्युनिकेशन सर्किट दैट ट्रांसमिट डेटा इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम। तो इससे पहले भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें डेटा ट्रांसमिशन की बात कर रही किया जा रहा था, उसमें एक डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों बोथ डायरेक्शंस में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाफ डुप्लेक्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है हाफ डुप्लेक्स, ये इसके लिए करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंपली डाउनलोड ईमेल टू योर कंप्यूटर एंड यूजली डिलीट्स द मेल फ्रॉम द रिमोट सर्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर इनमें से है वह है डी POP। POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एन अंडरलेइंग TCP/IP प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग रिमोट कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है, इनमें से करेक्ट आंसर है टेलनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी एक्सेस्ड और मॉडिफाइड बाई दोज ऑथराइज टू डू सो। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इनमें से वो है
कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओ लेवल, ट्रिपल सी या किसी भी कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को लीजिए और हम व्हाट्सएप पे ज्वाइन करिए हमें। आप हमें डायरेक्ट क्वेश्चन भेज सकते हैं या फिर हमारे वीडियो पे आप कमेंट करके आप किसी भी टाइप की हेल्प ले सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लस ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके बताइएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है, और अगर आप किसी और को हेल्प करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।